Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishvesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning about basic proportionality theorem. This is the first theorem of geometry in standard 10th. अब देखो theorem ये नाम सुनते से ही बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत से बच्चे डर जाते हैं, बहुत से teachers ऐसा बोलते हैं कि theorem है, बहुत important रहता है, so memorize कर लो आप लोग. So इसको memorize नहीं करना है. Memorize करना मतलब रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल. बहुत आसान होता है theorem. अब देखो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के नजरिए से. 90% चांसेस है ये बोर्ड्स में आएगा ही आएगा. ओके, एक तो एक्टिविटी के रूप में आएगा या क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो ये स्टेटमेंट तक आपको लिखना है, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा. ये स्टेटमेंट तक आपको लिखना है, स्टेटमेंट की मदद से डायग्राम हम ड्रॉ करते आता है हमको. डायग्राम की मदद से हम गिवन टू प्रूफ लिखते हैं और फिर गिवन टू प्रूफ की मदद से प्रूफ बराबर आ जाता है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. हाँ, बस इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि ये सब इंग्लिश में लिखा है, तो ये समझ में आना चाहिए पूरा थ्योरम क्या है, तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है. और हर थ्योरम में या आप बोलो ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में जिसमें डायग्राम नहीं दिया है, सो वैसे हर क्वेश्चन में वहां पे एक मेन डायग्राम दिया रहता है. सो वो मेन डायग्राम क्या है वो देख लो और उसमें बाकी चीजें क्या दी है वो देख के हम डायग्राम बना सकते हैं. सो थ्योरम है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है ये. ओके, समझ लो. अब ये स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मतलब क्या कि एक ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, उसमें से कोई एक साइड आप पकड़ लो, हम बेस पकड़ेंगे, उस बेस को एक लाइन पैरेलल रहेगी. ओके, उस बेस को एक लाइन पैरेलल रहेगी और वो लाइन बाकी के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी. सो मेन फिगर कौन सा हुआ आपका, ट्रायंगल. सो देखो हम यहां पे ट्रायंगल बना लेंगे. ओके, ये ट्रायंगल एबीसी. अब इन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल के तीन साइड है, किसी एक साइड को अपने को एक लाइन पैरेलल लेनी है. तो हम सपोज बीसी को पैरेलल लेंगे लाइन एल. और तो और इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स, बाकी की जो दो साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, मतलब उनको छू रही है वो लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो हम यहां पर लेंगे कि लाइन एल ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी और वही लाइन एल ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू. सो देखो इफ से लेके देन तक का पार्ट हमारा गिवन पार्ट होता है. सो गिवन पार्ट में क्या क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी और लाइन एल इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड साइड ए सी इन पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. इतना पार्ट गिवन है और गिवन के बाद का पार्ट मतलब ये देन से जो पार्ट स्टार्ट होता है वो टू प्रूव होता है, बराबर है. सो फिर से एक बार स्टेटमेंट देखो अच्छे से, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन टू पॉइंट्स, ऐसा होने पर द लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल वाली लाइन डिवाइड्स द साइड्स, ये जो दो साइड्स है इनको वो डिवाइड कर रही है इन सेम प्रपोर्शन. सेम प्रपोर्शन मतलब क्या, ये जो रेशियो है वो इक्वल आएगा. मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी. अब देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब कभी भी आप थ्योरम जब सॉल्व करते हो ना तो मेक श्योर उल्टा जाने की कोशिश करो. ओके, टू प्रूफ से हम ये, सॉरी टू प्रूफ हम ये लाएंगे कैसे. अब देखो एपी अपॉन पीबी चाहिए हमको. अब आप देख रहे हो तो एपी जो है ये ट्रायंगल एपीक्यू का साइड है, पीबी जो है वो एक्चुअली किसी ट्रायंगल का साइड नहीं है. इज इक्वल टू हमको एक्यू अपॉन क्यूसी बताना है. एक्यू फिर से ट्रायंगल एपीक्यू का साइड है और क्यूसी फिर से कोई ट्रायंगल का साइड नहीं है. अब इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा है जो कि बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, और उसमें हमने देखा है कि अगर दो ट्राइंगल है उनका अगर बेस सेम है तो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके हाइट का रेशियो आएगा, और अगर उनके हाइट सेम है तो वो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा. और कहीं ना कहीं एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी तो ये किसी ट्राइंगल्स के हाइट या बेस होने चाहिए, बराबर है. लेकिन ये बीपी और क्यूसी पार्ट ऑफ ट्राइंगल तो है ही नहीं, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा.
कंस्ट्रक्शन करो ज्वाइन बी क्यू। ज्वाइन बी क्यू करने से ट्राइंगल बीपीक्यू जनरेट होगा और उसका पार्ट रहेगा ये देखो पीपी या पीपी। और वैसे ही हम करेंगे ज्वाइन पीसी और ये पीसी में जो ट्राइंगल जनरेट होगा वो रहेगा पीक्यूसी जिसका पार्ट रहेगा क्यूसी। सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीक्यू एंड पीसी। अब इसके बाद प्रूफ आएगा। अब देखो हमको ये तो क्लियर, अब हमने यहां पे क्या किया ट्राइंगल एपीक्यू आ गया, ट्राइंगल बीपीक्यू आ गया जिसमें बीपी मिलेगा यानी पीबी, और ट्राइंगल पीक्यूसी आ गया जिसमें हमें क्यूसी मिलेगा। अब इनका यूज कैसे करेंगे? तो हमने क्या देखा है, दो ट्राइंगल्स है अगर उनके हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशो उनके बेस का रेशो, और यदि उनके बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशो उनके हाइट्स का रेशो। अब हमें क्या चाहिए, एपी अपॉन पीबी। अब ये एपी और पीबी कोई भी एंगल से हाइट तो नहीं है क्योंकि हाइट हमेशा कैसा रहता है सीधा, और ये स्लैंट है, तो ऑब्वियसली ये एपी और पीबी क्या रहेंगे बेस। और हमको ये भी क्लियर है ट्राइंगल कौन से रहेंगे, एपीक्यू के लिए एपी आएगा, बीपीक्यू के लिए बीपी आएगा। सो ये जो ट्राइंगल है एपीक्यू और बीपीक्यू इनके हाइट इक्वल होने चाहिए, बराबर है। अब इनके हाइट इक्वल कैसे है वो देखो, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये सब, बस उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, ऐसा बोला है टेक्स्ट बुक में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू सॉरी हाँ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज एपी अपॉन पीबी। वन नाम दिया है, रीजन दिया है ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स ओके, टेक्स्ट बुक में इतना है, पर हाइट कैसे इक्वल है इसके, है ना, बहुत से बच्चों को एक समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन ही रहता है। अब देखो मैं बताता हूं आपको इसके हाइट्स इक्वल कैसे हैं। सपोज आप ये फिगर कंसीडर करो, इतना ओके ये है हमारा एपीक्यू ट्राइंगल और ये बीपीक्यू। अगर आप गौर से देखोगे तो एपीक्यू ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर ए से हाइट डालेंगे तो ऐसी सीधी हाइट आएगी, बराबर है, ये ऐसी हाइट आएगी ऐसे डालोगे तो, पर ये हाइट बीपीक्यू का रहेगा ही नहीं, सो हम वो कॉमन हाइट ऐसा बोल ही नहीं सकते, तो ये हाइट नहीं रहेगा। अब बच गया पी और क्यू वर्टेक्स, बराबर है। अब देखो ये जो बीपीक्यू ट्राइंगल है ना, ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपको पता है जो अक्यूट एंगल के वर्टेक्स होते हैं उनसे जो हाइट निकलती है वो ट्राइंगल के बाहर रहती है, तो आप अगर क्यू वर्टेक्स कंसिडर करते हो तो देखो एक ऐसी हाइट निकलेगी। सपोज हम इसको QM नाम दे देंगे, ओके? अब देखो आप ये जो QM हाइट है ना वो BPQ ट्राइंगल की हाइट है जो वर्टेक्स Q से निकल रही है ऑन द एक्सटेंडेड बेस BP, मतलब बेस क्या रहेगा BP, और ये सेम हाइट QM इस ट्राइंगल की भी है क्योंकि ये ट्राइंगल APQ के तीन वर्टेक्स है AP और Q, तो ये Q से हाइट निकली है, इसलिए अब देखो ट्राइंगल APQ और BPQ का कॉमन हाइट कौन सा है QM, तो अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। So, इनके एरिया का रेशो इनके बेस का रेशो आएगा जो कि रहेगा एपी अपॉन पीबी, इसको वन नाम दिया है। वैसे ही सिमिलरली अब देखो इससे हमारा एक फायदा क्या हो गया, टू प्रूफ में देखो एपी अपॉन पीबी चाहिए था हम लेके आ गए वो, अब हमको एक्यू अपॉन क्यूसी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल रहेंगे, एपीक्यू तो रहेगा ही और क्यूसी के लिए हमको चाहिए पीक्यूसी ट्राइंगल। सो नाउ सी हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी रहेगा, सेम रीजन ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। अब यहां पे कौन सी हाइट आएगी, तो देखो फिर से एक बार ये ऐसा फिगर है, और अब यहां पे PQC ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सो इसके लिए जो हाइट आएगी वो P से आएगी, ट्राइंगल के बाहर रहेगी ऑब्वियस सी बात है, ऑन द एक्सटेंडेड बेस QC, सपोज हम इसको PN नाम दे देंगे, और यही हाइट PN ट्राइंगल APQ का भी है क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ A से ही हाइट आए, तीन वर्टेक्स है तो इस बार P से हमने हाइट लाई। सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज
AQ upon QC क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल, सो दीज आर ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, और वो हाइट कौन सी है, PN, दोनों ही ट्राइंगल का हाइट PN है, सो ऑब्वियसली उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा AQ upon QC। अब आप देखो यहां पे हमने क्या किया, टू प्रूफ के दोनों पार्ट लेके आ गए, AP upon PB आ गया फर्स्ट में और AQ upon QC आ गया सेकेंड में। अब हमको ये दोनों इक्वल बताना है और ये इक्वेशन वन और टू के RHS इक्वल कब रहेंगे, जब इनके LHS इक्वल रहेंगे। अब इनके LHS अगर आप देखते हो तो इनके दोनों के LHS में न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब डिनोमिनेटर अपने को इक्वल बताने पड़ेंगे, सो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के एरिया सॉरी ट्राइंगल BPQ है और ट्राइंगल CPQ है। अगर आप देखते हो ध्यान से, ट्राइंगल BPQ एंड ट्राइंगल CPQ lie between parallel line L and side BC, ओके, लाइन L और साइड BC पैरेलल है और ये दोनों ट्राइंगल उनके बीच में है, मतलब दोनों ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है वो इन पैरेलल लाइंस पर है, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट्स एंड PQ इज देयर कॉमन बेस। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों का हाइट कोई भी रहेगा, यहां से इधर डालो या यहां से इधर डालो, कॉमन हाइट रहेगा वो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो, और PQ दोनों का कॉमन बेस रहेगा, therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ, इसको थ्री नाम दो क्योंकि दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है इसलिए उनका एरिया भी इक्वल रहेगा। अब फ्रॉम वन टू एंड थ्री अब देखो वन और टू के जो LHS है उनके डिनोमिनेटर भी क्या बता दिया हमने, थ्री में इक्वल है, सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ओके। अब इतना होने के बाद बस एक फाइनल स्टेटमेंट ये रहेगा, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, फ्रॉम वन एंड टू, आपने वन एंड टू में आप क्या बता दिया यहां पे कि वन का LHS और टू का LHS इक्वल है, सो फ्रॉम वन एंड टू उनके RHS भी इक्वल आएंगे, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूफ। सो आपने देखा थ्योरम काफी सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट समझ में आने को होना, क्या था स्टेटमेंट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं थ्योरम, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक लाइन है जो एक ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये बेस ले लिया, ओके, और इसको ये लाइन पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा होने पर ये लाइन इन दो साइड को डिवाइड कर रही है इन सेम प्रपोर्शन, मतलब ये रेशियो इक्वल आना चाहिए, मतलब हमको क्या बताना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन BQ एंड PC, ये क्यों किया, BQ को ज्वाइन करने से हमारे पास ट्राइंगल BPQ जनरेट होगा जिसका पार्ट ये PB रहेगा, मतलब उसका एक साइड रहेगा, सिर्फ पार्ट होना जरूरी नहीं साइड होना जरूरी है, और PC जब हमने ज्वाइन किया तो ट्राइंगल PQC जनरेट हुआ जिसका एक साइड QC रहेगा, और उसके बाद हमने ये देखा कि ट्राइंगल APQ और BPQ का हाइट सेम रहेगा जो Q से निकलेगा, सो ये ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स होने की वजह से इनके एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो आएगा जो रहेगा AP अपॉन PB, आपको इसको वन नाम देना है, रीजन ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, देखो प्रूफ का LHS आप लेके आ गए, और प्रूफ के RHS लाने के लिए AQ अपॉन QC लाने के लिए हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज AQ अपॉन QC, अगेन ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, और अब हाइट रहेगी जो P से निकले, बराबर है, बस ये वन और टू में आपने AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC लेके आ गए, बस आपको वन और टू के LHS इक्वल बताने हैं, उनके LHS में न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है
बस डिनोमिनेटर सेम बताने हैं। हमने देखा डिनोमिनेटर के ट्राइंगल है बीपीक्यू और सीपीक्यू, वो ऐसे दो ट्राइंगल है जो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ऑब्वियसली उनका हाइट सेम आएगा और पीक्यू कॉमन बेस है। हाइट सेम होने की वजह से और बेस कॉमन होने की वजह से उनका एरिया इक्वल आएगा। मतलब अब आप देखो वन और टू के जो एल एच एस है उनके डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए। इसका मतलब वन और टू के एल एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो फ्रॉम वन टू एंड दिस थ्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। और फ्रॉम वन एंड टू की भाई एल एच एस इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली आर एच एस इक्वल रहेंगे, एपी अपॉन पीबी इज एक्यू अपॉन क्यूसी, और ये हेंस प्रूफ लिखना है। सो आपने देखा थ्योरम बहुत सिंपल होता है, बस आप स्टेटमेंट पढ़ो उसके मदद से डायग्राम लिखो गिवन टू प्रूफ, और प्रूफ जो आपका वो यही कहीं छुपा होता है। ओके अब देखो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स मतलब उल्टा। अब वो पिछले थ्योरम में क्या देखा आपने, जो एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल में एक लाइन थी जो ट्राइंगल के एक साइड को ऑलरेडी पैरेलल थी, ओके, और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही थी दो अलग अलग पॉइंट में। ऐसा होने पर ये सेम प्रोपोर्शन में थे, मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी टू प्रूफ में था। अब यहां पे जो उसका टू प्रूफ था इसका गिवन हो जाएगा, मतलब यहां पे ऑलरेडी दिया रहेगा कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, और ऐसा होने पर ये जो लाइन रहेगी वो बीसी को पैरेलल रहेगी। ये रहता है कॉन्वर्स, जो आपका ओरिजिनल थ्योरम है उसका गिवन इसका टू प्रूफ हो जाता है और इसका टू प्रूफ उसका गिवन हो जाएगा। तो अब देखो ये थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड ले लो, वो दो साइड को एक लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी है, देन ऐसा होने पर दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके अब इलस्ट्रेशन देखो, इसका प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, इसका एक एग्जाम्पल है बस, हाँ इसका एप्लीकेशन है, हमको ये कहीं ना कहीं काम में आ सकता है हमको। तो देखो इन द फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, एंड AP upon PB is equal to AQ upon QC। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, ये लाइन इन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और इन दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। सो ऐसा होने पर ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल रहेगी, मतलब लाइन L will be parallel to segment BC।